आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। जिले रंगारेड्डी के MGIT कॉलेज गंडीपेट के करीब एक चलती कार से अचानक आग भड़क उठी। कार में सवार मुसाफिरों ने गाड़ी से धुआं उठता देखकर फौरन गाड़ी रोकी और नीचे उतर गए। सेकेंडों में कार जलकर खाकिस्तर हो गई। ड्राइवर की होशियारी से एक बड़ा हादसा टल गया। मुसाफिर गाड़ी से बाहिफाजत बाहर निकल आए। नारसिंह की पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। कार की आग पर काबू पा लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से कार और बसों को आग लगने के वाकयात में इजाफा होता ही जा रहा है। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों की देखभाल पर तवज्जो दें। వాషింగ్కి కనపూర్ వెళ్తుంటే BMW కార్లో ఫస్ట్ మంటలు వచ్చి ఫస్ట్ పొగ వచ్చి ఫస్ట్ మంటలు వచ్చేసినాయి। ఇద్దరం ఉన్నాం, వాళ్ళకి సేఫ్ అయినా వాళ్ళకైతే ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు। షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందని అనుకుంటున్నాను, బండి మాత్రం అన్ని ఆల్ రైట్ ఉంది। మీరు ఎప్పుడు తీసుకుంటే కార్ సెకండ్ హ్యాండ్? సో 2 డేస్ బ్యాకింగ్ తీసుకున్నానండి వెహికల్, 2 డేస్ కిందనే తీసుకున్న వెహికల్। ఏది ఏ కార్ ఇది? BMW 2011 మోడల్, 520D। మీ పేరు? మీ పేరు ఏంది? साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में 32 फार्म हाउस की तन्फी की गई। 4 फार्म हाउस गैर कानूनी सरगर्मियां करते पाए गए। पुलिस ने शमशाबाद, मोइनाबाद और मेडचल के जुमला 32 फार्म हाउस की तस्दीक की। मोइनाबाद के बिग बॉस फार्म हाउस और जहांगीर ड्रीम वेला फार्म हाउस, शमशाबाद के रिप्लेस फार्म हाउस में शराब नोशी और हुक्के का गैर कानूनी इस्तेमाल देखा गया, जबकि मेडचल के गोवर्धन रेड्डी फार्म हाउस पर 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो ताश जुआ खेलने में मसरूफ थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,03,030 रुपये की नकदी रकम, ताश के पत्तों के 10 सेट और 7 सेलफोन को जब्त कर लिया। इसके अलावा हुक्का और इसमें इस्तेमाल मुख्तलिफ फ्लेवर्स और शराबी की मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोतलें जब्त कर ली गई। इस जिमन में मजीद अफराद जो फार्म हाउस के ओनर्स हैं मफरूर बताए गए हैं। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।